गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम मनोहर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। मनोहर की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि वह ठीक से अपने बच्चों के लिए दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता। वह प्रतिदिन एक झोला लेकर गांव में जाता और सभी के घरों से कपड़े लेकर वापस आता। उसकी पत्नी सारे कपड़े अच्छे से धोती जिससे उनका घर चलता था। एक दिन मनोहर की पत्नी उससे बोलती है, अजी सुनते हो, इस तरह कितने दिनों तक हम आधे पेट खा कर रहेंगे। अगर आप बगल वाले गांव में भी कपड़े लेने जाए तो हमें कुछ और रुपए मिल जाएंगे जिससे हम कम से कम दो वक्त का खाना तो खा पाएंगे। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, कल से मैं बगल वाले गांव में भी चला जाऊंगा, बस रास्ते में खाने के लिए तुम मुझे कुछ दे देना। अगले दिन सुबह होते ही उसकी पत्नी उसके पास आती है। ये लीजिए, इसमें मैंने नमक और सत्तू रख दिया है, अगर रास्ते में भूख लगे तो खा लीजिएगा। फिर मनोहर झोला लेकर चल देता है। चलते चलते मनोहर एक नदी के पास पहुंच जाता है। अब ये क्या मुसीबत है भाई, मैं अब इस नदी को कैसे पार करूंगा? आज मैं इस नदी में पत्थर मारकर उस पार जाने के लिए रास्ते बना लूंगा और किसी भी हालत में उस पार जाके ही रहूंगा। फिर मनोहर नदी में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े फेंकने लगता है। करीब 50 पत्थर फेंकने के बाद जैसे ही मनोहर के हाथ में एक पत्थर आता है तो नदी से आवाज आने लगती है, कृपया करके मेरे ऊपर अब एक भी पत्थर ना फेंको, अब तुम्हें उस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है वह एक जादुई पत्थर है, जो कुछ भी तुम इससे मांगोगे वह तुम्हें दे देगा, अब तुम वापस घर चले जाओ। यह सुनते ही मनोहर पत्थर लेकर घर की तरफ चल देता है। चलते चलते रास्ते में ही शाम हो जाता है। मनोहर एक घर के पास जाता है और आवाज देता है, अरे भैया कोई है, जरा बाहर आना। क्या बात है भाई, इतनी रात गए क्यों चिल्ला रहे हो? दरअसल मैं पासी के गांव में रहता हूँ, मैं अपने घर ही जा रहा था तभी रास्ते में शाम हो गई, अगर आप मुझे एक रात के लिए जगह दे दे तो काफी मेहरबानी होगी। ठीक है कोई बात नहीं, चलो आओ आज रात यहीं गुजार लो। ये रहा तुम्हारा बिस्तर, तुम यहीं विश्राम करो और सुबह होते ही निकल जाना। फिर मनोहर वहीं पे सो जाता है। आधी रात में मनोहर उठकर बैठ जाता है और पत्थर हाथ में लेकर बोलता है, ए जादुई पत्थर, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम मुझे खाने के लिए कुछ दो। तभी मनोहर के सामने काफी पकवानों से भरा थाली आ जाता है। यह सब मकान मालिक की औरत देख रही थी। अरे बाप रे, उस गरीब आदमी के पास तो एक ऐसी पत्थर है जिससे वह कुछ भी मांगता उसे तुरंत मिल जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मनोहर नींद से सो रहा था तभी वे आदमी और औरत मनोहर की पत्थर दूसरे पत्थर से बदल देते हैं। अगले दिन जब मनोहर घर पहुंचता है अरे भगवान ये देखो मुझे क्या मिला है, इस पत्थर से जो कुछ भी मांगो तुरंत मिल जाता है। फिर वह पत्थर से बोलता है, हे जादुई पत्थर, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ दो। इतना बोलने के बाद भी वहां कुछ भी नहीं आता है जिसके कारण मनोहर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन फिर नदी के पास जाने के लिए वह घर से चल देता है। तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, उस पत्थर ने सिर्फ एक ही बार काम किया है, मैं घर जाकर काफी चिल्लाता रहा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला।
इतना बोलकर मनोहर फिर से नदी में पत्थर फेंकने लगता है। अचानक फिर से नदी से आवाज आने लगती है, इस बार फिर तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है, ले जाओ या तुम्हारी मदद करेगी। वह पत्थर लेकर मनोहर घर की तरफ चल देता है। इस बार फिर से मनोहर को घर जाते टाइम रात हो जाती है। फिर से वह उसी आदमी के घर जाता है। इस बार वे पति और पत्नी काफी अच्छे से मनोहर का सत्कार करते हैं और स्वागत करते हैं। इस बार फिर से जब मनोहर सो जाता है तो उस औरत का पति जाता है और पत्थर चुराने की कोशिश करता है। जैसे ही वह पत्थर चुराने की कोशिश करता है उसे जोड़ का झटका लगता है और पीछे गिर जाता है। भैया ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई। यह सब शोर सुनकर मनोहर भी उठ जाता है। अच्छा तो तुमने मेरा पत्थर बदल दिया था, जल्दी से मेरा पत्थर वापस करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर वे दोनों मनोहर की पत्थर वापस कर देते हैं। मनोहर पत्थर लेकर अपने घर चल देता है। घर पहुंचकर मनोहर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। इसके बाद से मनोहर का परिवार काफी खुशहाल से रहता है। अब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है।